हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे जीके एंड करंट अफेयर 23 फरवरी 2020 की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वे किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? सो ये तो आपको सभी को पता होगा कि वो हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रक्षा, संस्कृति और योग सहित 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल या फिर जापान के साथ? एक तो भारत देश है, दूसरे देश का नाम बताना है। सो वो देश है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। भारत और पुर्तगाल ने है जो हाल ही में रक्षा, संस्कृति और योग सहित पर है जो 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पुर्तगाल के साथ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज अवार्डेड किए गए हैं? आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा या फिर उत्तराखंड को? सो वो राज्य है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर को है जो 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज अवार्डित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियामक सेबी ने डैश की अध्यक्षता में एक नगरपालिका बांड विकास समिति का गठन किया, अजय त्यागी, सुजीत प्रसाद, राजीव कुमार, अतनु चक्रवर्ती, रघुराम राजन? उनका नाम बताना है। सो उनका नाम है ऑप्शन बी, सुजीत प्रसाद, जिन्होंने है जो बाजार नियामक सेबी ने है जो इनकी यानी कि सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में एक नगरपालिका बांड विकास समिति का गठन किया। किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने या फिर उत्तराखंड राज्य ने? तो ये किया है ऑप्शन ए, बिहार राज्य की सरकार ने है जो पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा अभियान स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय केंद्र भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर डैश कर दिया है, अटल भवन, अरुण जेटली भवन, महात्मा गांधी भवन, सुषमा स्वराज भवन या फिर मनोहर पार्कर भवन? उस भवन का नाम बताना है जो हाल ही में चेंज किया है। सुबह नेम है ऑप्शन डी, सुषमा स्वराज भवन है जो चेंज किया है नाम। अगला क्वेश्चन है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर डैश कर दिया है, जहां पर आएगा नाम जो नया नाम बदलकर किया है, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज या महात्मा गांधी विदेश सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, मनोहर पार्कर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज? क्या नाम है जो विदेशी सेवा संस्थान का बदल कर रख दिया है? सुबह नाम है ऑप्शन डी, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जिसका नया नाम है जहां पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया 2020 ने जीनोम वैली
एक्विलेंस अवार्ड की घोषणा की किस राज्य सरकार ने बायोएशिया 2020 का आयोजन किया? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा या फिर तेलंगाना ने? सो जो आयोजन किया था ऑप्शन ई तेलंगाना राज्य सरकार ने है जो 2020 बायोएशिया का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, बायोएशिया 2020 का दूसरा घोषित जीनोम वैली एक्सेलेंस अवार्ड किसे मिलेगा? कार्ल एच जून को, वास नरसिम्हन को, रिचर्ड डब्ल्यू वैक को, गीता सेन को या फिर ए बी और सी इन तीनों नाम को? सो जे मिलेगा ऑप्शन ई इन तीनों को, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों को है जो बायोएशिया 2020 द्वारा घोषित जो जीनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड है जे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? कोबे ब्रायंट ने, बास नरसिम्हन ने, राजीव बंसल, गीता सेन, राजेंद्र कुमार पंचोरी ने? किसने है जो प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? उनका नाम है ऑप्शन डी गीता सेन ने है जो प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निजीकरण प्रक्रिया के बीच एयर इंडिया ने सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? जी नारायणन, राजीव बंसल, राजेंद्र कुमार पंचोरी, गीता सेन या अश्विनी लोहानी? सो जी नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी राजीव बंसल को। सरकार द्वारा है जो निजीकरण प्रक्रिया के बीच एयर इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के अध्यक्ष का नाम किसे दिया गया है? उनका नाम बताना है जी नारायणन को, राजीव बंसल को, राजेंद्र कुमार पंचोरी को, गीता सेन को या फिर अश्विनी लोहानी को? सुजेद नाम दिया गया है ऑप्शन ए जी नारायणन को, जो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की है जो नवगठित वाणिज्यिक इकाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिन्हें NSIL के अध्यक्ष का नाम दिया गया है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पर्यावरणविद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी नारायणन, राजीव बंसल, राजेंद्र कुमार पंचोरी, गीता सेन या फिर अश्विनी लोहानी? सो वो है ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार पंचोरी, जिनका हाल ही में है जो निधन हो गया है। वह जो नोबल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पर्यावरणविद थे ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। सो गाइस, ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले वाली डेट की करंट अफेयर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हो, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की स्टडी करते हो तो मेरिट में आने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जीके एंड करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हर एक एग्ज़ाम में मेरिट में आने के लिए। मैथ और रीजन को सब कोई आती है, लेकिन ये जो मेरिट बनती है वो जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चनों से बनती है। सो इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह जीके एंड करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन डेली मिलते रहें। धन्यवाद।